इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हर शुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ क्लास। एक्विजिशन हुसूल, वर्थ एक्वायरिंग, हासिल करने के काबिल। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। पेशेंट, फ्रेंड, डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टोरी ऑफ द ऑफ हिज एस्केप इज ड्रामेटिक। एस्केप का मतलब है बचना, दौड़ जाना, बच जाना, फ्लीटिंग। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो उससे छुटकारा हासिल हो जाता है। गेट रिड ऑफ, ये दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नर्चर का मतलब है नशोनुमा पाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रेटिट्यूड वाज नॉट ड्यू टू हिम। ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रिया, थैंक्स। ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द एलीज एवकुएटेड द बगदाद रेलवे जंक्शन। एवकुएटेड का मतलब है खाली कर देना, वैकेटेड। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू हिच हाइक अक्रॉस द सहारा। हिच हाइक होता है लिफ्ट मांग कर कोई सफ़र करना, टेक अ लिफ्ट। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एट 50 ही वाज अ डोएन ऑफ द स्टाफ। डोएन का मतलब है मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तजर्बाकार आदमी। पहली ऑप्शन दुरुस्त है। मेनार्ड वाज अ चब्बी बॉय। चब्बी का मतलब है गोल मटोल, मोटा ताज़ा, राउंड एंड प्लम्प। ये ऑप्शन दुरुस्त है। पहली ऑप्शन, चिप्स हैड नो प्राइवेट मींस। मींस का मतलब है ज़राए सोर्सेज। दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है, चिप्स लॉज्ड एट होम ऑफ अ जर्मन मास्टर। लॉज्ड का मतलब है क्याम पजीर होना, रिजाइडेड। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ आते हैं। आमना इंट्रोड्यूस्ड अमार, टू आया करता है इंट्रोड्यूस के साथ, इंट्रोड्यूस टू मी। पहली ऑप्शन, शी एम्ड के साथ एट आया करता है, शी एम्ड एट द बर्ड एंड फायर्ड। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई हुआ करता है, तो दिस स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है, द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल। रिलीज्ड के साथ ऑन आया करता है, रिलीज्ड ऑन बेल, मुजरिम को जमानत पर रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मे अल्लाह प्रिजर्व अस फ्राम ऑल इवल्स। फ्राम आएगा जी यहाँ खाली जगह पर, मे अल्लाह प्रिजर्व अस फ्राम, प्रिजर्व फ्राम आया करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास करेक्शन की तरफ आते हैं। ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ट्रस्ट इन अल्लाह होता है, ऑन नहीं आया करता, ट्रस्ट इन अल्लाह। पहली ऑप्शन दुरुस्त है, ही गेव हिज सन मैनी एडवाइसेज। एडवाइस की जमा नहीं होती, अगर जमा बनाया जाए तो उसके साथ पीसेज लगाया करते हैं, तो इसका है ही गेव हिज सन मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। इसको जमा नहीं करेंगे बल्कि मैनी पीसेज लगाएंगे तो ये एडवाइस की जमा बनेगी। तो पहली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हायर वी गो कूलर इट इज। जितना बुलंदी पर हम जाएंगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी। तो एडजेक्टिव की ये दूसरी डिग्री है, इससे पहले दी लगेगा। दी हायर वी गो दी कूलर इट इज़।
तो दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। यस्टरडे का लफ्ज़ बता रहा है कि फिकरा हमारे पास जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में होगा, लिहाजा आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, तो तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद है आखिरी फिकरा, शी इज़ टॉलर दैन मी। टॉलर एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री है, उसके बाद दैन आ जाए तो दैन के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत इस्तेमाल हुआ करती है। शी इज़ टॉलर दैन आई, मी की फाइली हालत आई है, तो ये तीसरी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है।